हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बार पलटवार का दौर जारी है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के पूर्व विधायक एवं पीसीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर और प्रदेश भाजपा महामंत्री तथा वर्तमान विधायक राकेश जम्वाल के मध्य जुबानी जंग जारी है, जहां सोहनलाल ठाकुर द्वारा विधायक राकेश जम्वाल पर चुनाव नजदीक आता देख आधे अधूरे कार्यों के उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। वहीं राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार द्वारा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व विकास को ना पचा पाना करार दिया है। स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया कार्य नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल रोजाना क्षेत्र में किए जा रहे उद्घाटनों से परेशान हैं। और कुछ हमारे मित्र आजकल परेशान है, बोला विधायक रोज उद्घाटन कर रहा है, उनको इसमें भी परेशानी हो रही है। महिला मंडल का भवन बनाने के लिए पैसे आप लोगों के आशीर्वाद से हमने दिए, तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिया। राशन के डिपो को लेकर यहाँ लंबे समय से मांग थी, कहाँ जाना पड़ता था राशन के डिपो के लिए? चुनोल में जाना पड़ता था, पंडाजा लगाओ। अब कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, बोले डिपो तो जा लिए, असली डिपो नहीं है। आप कल्पना करो कि प्रचार भी किस पर का, कि डिपो सरकारी डिपो का, यहाँ पर सब डिपो यहाँ पर खोल दिया गया। अब हमारे बाल डुगड़ी के लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही हमको राशन मिल रहा है। और उसके साथ आज पानी की समस्या को लेकर ये स्कीम का विधिवत आज उद्घाटन कर दिया, पानी की समस्या खत्म हो गई। बिजली की समस्या थी वो समाप्त तो हो गई। फिर कहा गया कि बारल में हमारा यहाँ देव का स्थान भी, यहाँ पर हम सराय सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं, आज उसका भी विधिवत शिलान्यास कर दिया। और वो लोग कह रहे हैं कि बोले ये तो हमारे कामों का श्रेय ले रहे हैं। मैं कह इनमें से एक काम बता दो जो आपने सोचा था या आपने शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल मात्र उन्हीं योजनाओं के उद्घाटन किए जो पूर्व कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत की थी योजनाएं या शुरू करवाई थी, और अपनी कोई योजना वर्तमान सरकार धरातल पे नहीं उतार पाई। और अब जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो विधायक महोदय सुंदरनगर के इतने आतुर हैं आधे अधूरे कामों को करने के लिए कि जो काम पूरे भी नहीं हैं उनका भी उद्घाटन करने की तैयारियां हो रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि कुछ भी है करो। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।